हे गाइस, जय हिंद। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी फैमिली 24/7 सीए जोन में। तो आज की वीडियो स्पेशली डेडिकेटेड है जिन्होंने अपने को करिकुलर कोर्स में कम्युनिकेटिव इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट ले रखा है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ऑलरेडी हमने क्लासेस आपको प्रोवाइड कर दी हैं, जिसमें मैंने आपको बोला था कि हम आपको ऐसे 10 क्वेश्चंस करवाएंगे पूरे आपके सिलेबस से जो कि आपके एग्ज़ाम के पर्पस से इंपॉर्टेंट होंगे। बाकी फिंगर्स क्रॉस्ड, यहाँ पे जो मंडे को पेपर है 11 को, जिनका भी पेपर है सब लोग, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपका टाइमिंग क्या है और किस डिपार्टमेंट में आपका है। आई थिंक कि इंग्लिश के डिपार्टमेंट में ही होगा, तो आई विल मेक श्योर कि आपको मैं विज़िट करूँ डिपार्टमेंट में और देखते हैं। तो आऊँगा, मैं विज़िट करूँगा, आपका पेपर देखने ज़रूर आऊँगा। तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि किसका किसका वहाँ पे है। बाकी तो फिंगर्स क्रॉस, एंड किस तरीके से यहाँ पे आपको चीज़ें करनी है वो भी इस वीडियो में बताऊँगा डिटेल में। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, सारे डाउट्स आपके दूर हो जाएंगे, ठीक है। तो एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ कि अगर आपको नहीं पता है तो हमने 10 क्वेश्चंस प्रोवाइड किए हैं। क्वेश्चंस के साथ साथ आपको नोट्स भी प्रोवाइड किए हैं, किस तरीके से आपको लिखना है, क्या क्या लिखना है, वो पूरा थ्योरी प्रोवाइड करी है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ पे जाइए, प्लेलिस्ट पे देखिए, सारी क्लासेस एक बार देख लीजिए। और ये मत सोचिएगा कि मैं आपको 10 कह रहा हूँ और जो लेक्चर्स हैं वो 5-6 ही पढ़े हुए। एक्चुअली हुआ क्या है कि एक लेक्चर में अपेक्षा मैम ने आपकी 2-3 टॉपिक करवा दिए, तो ऑल ओवर पूरा मिला के 9 to 10 टॉपिक्स आपको मिल चुके हैं इंपॉर्टेंट, ठीक है, और डिटेल्ड में, जिससे कि आप यहाँ पे आपका जो एग्ज़ाम है उसमें अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। पहले मैं आपको एक बार फिर से यहाँ पे 10 क्वेश्चन जो है वो रिपीट करके एक बार 1 by 1 बता देता हूँ। उसके बाद आपको कुछ चीज़ें बताऊँगा, वो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, इसके बेसिस पे आप वहाँ पे अपने एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 1 है आपका स्ट्रेस एंड इंटोनेशन, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका क्रिटिकल थिंकिंग, क्वेश्चन नंबर 3 है आपका प्रेजेंटेशन, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका CV और रिज्यूमे राइटिंग, क्वेश्चन नंबर 5 है आपका लेटर एप्लीकेशन, क्वेश्चन नंबर 6 है हाउ टू रीड, क्वेश्चन नंबर 7 है हाउ टू स्पीक, जिसमें आपका प्रोनंशिएशन, एसेंट, वोकैबुलरी, ये सब आता है। क्वेश्चन नंबर 8 है कम्युनिकेशन के ऊपर, यहाँ पे आपको पता चला है कुछ चीज़ें। 7 C's भी हमने बताए हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हाउ टू रीड बताया है, और क्वेश्चन नंबर 10 कॉमन एरर्स, idiom, phrases ऑफ फोनेटिक्स। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 10 जो है ना आपका कॉमन एरर्स और idioms, phrases और फोनेटिक्स, ये रह गया है। तो अगर आप लोग कमेंट करके बताओगे तो मैं आपको कल ही एक पूरी फुल वीडियो जो होती है ना, फुल पैकेज वीडियो, जिसका आपको क्वेश्चन नंबर 10 जो कॉमन एरर्स, idioms, phrases और फोनेटिक्स है वो कवर हो जाएगा। तो अगर आप लोग कहोगे तब, लेकिन ठीक है, तो कमेंट करके ये चीज़ बताना। और जो कमेंट करके मैंने बोला था आपको कि आपका टाइमिंग जो है वो भी ज़रूर बताना, ताकि मैं उस टाइम के अकॉर्डिंग वहाँ पे आपके डिपार्टमेंट में विजिट कर लूँ। सो अब बात आती है कि ये 10 टॉपिक्स तो आपके हो गए, आपको एग्ज़ाम में कैसे करना है। सपोज़ यहाँ पे जैसे कि हमने आपको बताया क्वेश्चन नंबर 8 है आपका कम्युनिकेशन या 7 C's, तो इसमें आपका सपोज़ डायरेक्टली नहीं आया कि व्हाट इज़ कम्युनिकेशन या राइट 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन, अगर ये डायरेक्ट नहीं आया तो भी आपको कैसे करना है। तो आपको देखना है कि कौन सा क्वेश्चन ऐसा पूछा गया है जहाँ पे आप ये 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन को फिट कर सकते हो। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है जहाँ पे आपका ये कोरिलेट आंसर करके आप लिख सकते हो, डेफिनेटली गो फॉर इट एंड राइट इट, ठीक है। हो सकता है आपका है कि हाउ कैन यू से कि दैट इट इज़ एन इफेक्टिव कम्युनिकेशन, आप कैसे कह सकते हो कि एक जो कम्युनिकेशन पर्टिकुलर पर्सन कर रहा है वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन है, तो वहाँ पे आप 7 C's लिख सकते हो। पहले आप बताओगे कि व्हाट इज़ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन ये होता है ट्रांसफर ऑफ मैसेजेस, थिंकिंग, थॉट्स, और फिर वहाँ पे 7 C's आपका जो कोरिलेंट कम्युनिकेटिव, जो 7 C's यहाँ पे आपको करवाए गए हैं वो सब चीज़ें, ठीक है। कोहेरेंट होना चाहिए, कोरिलेट होना चाहिए, कॉन्स्टेंट होना चाहिए, कम्प्लीट होना चाहिए, ये सब पूरा आपको लेक्चर में सब कुछ कम्प्लीट करवाया गया है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर डायरेक्टली नहीं आया ना, मतलब जैसे अभी प्रेजेंटेशन पे आपको लेक्चर मिला है, डायरेक्ट अगर नहीं भी आया कि व्हाट इज़ प्रेजेंटेशन, इनडायरेक्टली भी आएगा कुछ, तो अगर आप वहाँ पे प्रेजेंटेशन से कुछ लिख सकते हो जो आपने पढ़ी है, क्लासेस करी हैं, हमसे करी हैं या आपने आपसे करी हैं, खुद से पढ़ा है, जो भी, तो वहाँ से अगर आप कोरिलेट करके लिख सकते हो ना, डेफिनेटली आपको लिख के आना है। और 5 क्वेश्चंस आपको एनी हाउ करने हैं। टाइम मैनेजमेंट का मैंने ऑलरेडी बता चुका है, एंड आई होप सो कि आप लोग वो वीडियो भी देखे होंगे कि किस तरीके से आपको 3 घंटे में 5 क्वेश्चंस लिखने हैं। अगर नहीं आपने देखा है तो एक बार सर्च कर लेना, वहाँ पे आपको वीडियो मिल जाएगी, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दे दूंगा।
या टेलीग्राम आप विजिट कर लीजिए, वहाँ पे ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे मैं आपको दोबारा से ये वीडियोस जो हैं वो पोस्ट कर दूँगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि एनी हाउ आपको 5 क्वेश्चंस करके आने और डिटेल में करके आने हैं, ठीक है। 3 घंटे बहुत है, अगर आप टाइम मैनेजमेंट करके चलोगे डेफिनेटली आप वहाँ पे 5 के 5 क्वेश्चंस अच्छे खासे लेंथ के लिख कराओगे, ठीक है। और थोड़ा इलेबोरेट करके लिखना, जो आपको चीज़ें हमने समझाई है कि व्हाट इज़ कम्युनिकेशन, तो आपने बोला कि हाँ कम्युनिकेशन इज़ द वे ऑफ ट्रांसफरिंग योर थॉट्स एंड योर थिंकिंग्स योर एक्सप्रेशंस, तो आप उसको और इलेबोरेट करके लिखोगे, आपकी जो भी आप जहाँ तक भी सोच सकते हो ना वो चीज़ें सब कुछ इलेबोरेट करके आपको वहाँ पे लिखना है, जिससे आंसर आपका बड़ा हो जाएगा और जो आपका जो पेज है वो भी भरेगा और साथ ही साथ जो आपकी जो थॉट्स है जो एक्सप्रेशंस है वो भी आप एक्सप्रेस कर पाओगे और एक लॉन्ग आंसर तैयार हो पाएगा। ऐसे ही होगा, ठीक है, ऐसे ही होगा। तो घबराना नहीं है, बहुत अच्छा आपका पेपर जाएगा एंड आई एम वेरी श्योर कि आपने बहुत अच्छे से तैयारी की है। डोंट वरी अबाउट एनीथिंग, आपने जो पढ़ा है उसको रिवाइज करिए, हमारी क्लासेस से आपको अगर कुछ देखना है तो आप देख लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, प्लेलिस्ट सारी वहाँ पे आपको सारी क्लासेस मिल जाएंगी, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। पूरी पूरी हेल्प जितनी हो पाई वो हमने आपकी करी है। बाकी आपको ये सब चीज़ें कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए, जो भी किया है सब आप लोगों के लिए किया है और विदाउट एनी पर्सनल रीज़न, सब कुछ आपके लिए किया है, ठीक है। यहाँ पे इकरा मैम ने आपकी फ़िज़िकल एजुकेशन की क्लासेस करवाई और अपेक्षा मैम ने आपकी को करिकुलर जो आपका यहाँ पे कम्युनिकेटिव इंग्लिश है उसकी क्लासेस आपको करवाई है। गाइज अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन दबा दीजिए, जिससे आने वाले दिनों में आपको ऐसे ही यूज़फुल कंटेंट हम प्रोवाइड करते रहेंगे। इसको शेयर कर दीजिए ताकि जो आपके जूनियर्स हैं या जो आने वाले जिनको नहीं पता है कि यहाँ पे 24/7 सीजन ऑलरेडी क्लासेस करवा चुका है इन पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स के ऊपर, तो उनको भी पता लग जाए और उनको भी कुछ ना कुछ प्रॉफिट मिल जाए। बाकी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपका जो एग्ज़ाम है वो किस डेट में है, किस टाइमिंग में है। मेक श्योर कि आप यहाँ पे हम विज़िट ज़रूर करेंगे एंड आई विल ट्राई कि आपके डिपार्टमेंट में आप सभी से ज़रूर मिलें। बाकी आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए अपडेट किसी नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट, सब लोग अच्छे से पेपर करके आना और जो मैंने बातें बताई उन सभी को अगर आप ध्यान रखोगे डेफिनेटली आप यहाँ पे एक अच्छा स्कोर एक अच्छा एग्ज़ाम दे के आओगे और अच्छा स्कोर भी डेफिनेटली होगा। टेक केयर।